प्यारे बच्चों, आज हम समर पैक में उर्दू का काम करेंगे। प्यारे बच्चों, समर पैक में आज हमने उर्दू का काम करना है और उर्दू में हम सफा नंबर 96, 97 को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने जो है ये एक सबक है खून का बदला, इसको जो है दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है। यानी कि हमने ये सबक पढ़ा है और सबक में जो है सबक के मुताबिक जो है दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है। नंबर एक पे है, गांव के लोग मुराद खान के सेहन में जमा थे। ये गलत है, सही था कि मुराद खान के सेहन में नहीं जमा थे, मुराद खान के हुजरे में जमा थे। दूसरा है, स्पिन गुल ने कहा कि जब तक वालिद के खून का बदला ना दे लूं मुझ पर नींद हराम है। ये भी गलत है, क्योंकि स्पिन गुल ने कहा था कि जब तक वालिद के खून का बदला ना ले लूं। नंबर तीन पे है, मुराद खान ने कहा वो दुनिया से एक खुशी दिए जा रहा है। ये भी गलत है। नंबर चार पे है, स्पिन गुल नफरत की आग में जल रही थी। ये ठीक है, ये नफरत उस बंदे से करी थी जिसने स्पिन मुराद खान को कत्ल किया था। नंबर पांच पे है, नौजवान ने स्पिन गुल की मां को कत्ल कर दिया। ये भी गलत है, नौजवान ने जो है स्पिन गुल के बाप को कत्ल किया था। बच्चों, अभी हमने सफा नंबर 97 पे करना है, ये सबक है शहरी दिफा। मुदर्जा जैर सूरतों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे दी जा सकती है। नंबर एक है, किसी अमारत में आग लग जाए। किसी अमारत में आग लग जाए तो सबसे पहले जो है वो मेन स्विच बंद कर देना चाहिए, ताकि आग जो है वो भड़क ना जाए और आग आगे से आगे ज्यादा ना हो जाए। नंबर दो पे है, अगर किसी की हड्डी टूट जाए, अगर किसी के बाजू की हड्डी टूट गई हो तो टुकोनी पट्टी बनाकर उसके बाजू में हमायल करना चाहिए। नंबर तीन पे है, कपड़ों में आग लग जाए। अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो फौरन रजाई या मोटा कपड़ा डाल देना चाहिए। नंबर चार पे है, किसी को सांप काट जाए। सांप काट ले तो काटी हुई जगह से 4-5 इंच ऊपर कपड़ा बांध देना चाहिए और जहर को ब्लेड या छुरी से खुरचना चाहिए। कोई पानी में डूब जाए, अगर कोई पानी में डूब जाए तो उसे उल्टा लिटा कर उसके पेट से पानी निकालना चाहिए। अब हम सफर नंबर 98 करेंगे। सफर नंबर 98 पे रेल का सफर है। ये एक नज़म है और ये एक दिलचस्प नज़म है और आपने पढ़ी होगी और यकीनन आप लुत्फंदोज हुए होंगे। नज़म के मुताबिक सवालात के मुख्तलिफ जवाबात दें। सबसे पहला सवाल है, मुसाफरों के सामान में क्या क्या चीजें लड़ती हैं। मुसाफरों के सामान में सुराहे से घड़ा और रोटी से दस्तरखान लड़ता है। कौन से हजरत रजाई में सिल के बैठे थे। वो हजरत जो अवामुन नास में घुल मिल के बैठे हैं, वो जो है रजाई में सिल के बैठे थे। रेल में कौन कौन से मांगने वाले आते हैं। चिमटा बजाकर और गा कर मांगने वाले आते हैं। आपस में गुफ्तगू का क्या फायदा होता है। आपस में गुफ्तगू का फायदा ये होता है कि आपस में गुफ्तगू से आशनाई बढ़ती है। एक मुसाफिर खेत से क्या लेकर आया है। वो मुसाफिर जो है वो खेत से गन्ने लेकर आया है।